गौरव कैसे हो? कहाँ किसी खेच के खेच के कहो
यानी एक बार जब आप एरिना में एंटर करते हैं जिस गेम में आते हैं उनकी कबड्डी खेलते हैं तो कबड्डी में जब आप रेड करने जाओगे जी सर और सामने नतीजा है तो यह थोड़ी गर्मी अगर कहा कहवा कैसे ढूंढो काका है तो वो कहावत नहीं चली कबड्डी में काका नहीं होते जी सर। अगर आपने खेल के मैदान उतर गए हो तो फिर टांग खिंचाई भी होगी टांग पकड़ाई भी होगी एक ही ऊपर पाँच गिरेंगे वो कबड्डी की जिला टूट होगी ठीक है जी सर। ये मैंने प्रो कबड्डी देखनी है सुना सुना था लेकिन इसका जो मतलब ना समझ सकता आ सुना आपके थैंक यू सर। आप तो कबड्डी में काका नहीं होते आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम जा रहे हो यहाँ भी काका जी नहीं होते यहाँ भी वो आपको पूरा खींचेंगे जब के ठोक बजा के देखेंगे भाई नॉलेज जो है गौरव की कितनी अच्छी आती है। कबड्डी आप कहाँ तक खेले हो सर? मैंने कॉलेज की टीम से भी खेला होगा सर पहले स्कूल की तरफ से डिस्ट्रिक्ट हो या कैचर हो सर? मैं कवर डिफेंसर हूँ। अच्छा डिफेंसर। और सर मैं हेड लेडर भी था अपनी टीम का यदि जो फॉरवर्ड लेडर यदि आउट हो जाते हैं तो उस टाइम पे सर मैं जी सर सर मतलब आप खिलाड़ी हो जी सर। ये आपने जो लिखा ना सर घर जी सर तो मैंने अब तक मैंने सैकड़ों बच्चों को इंटरव्यू लिए हैं पहली बार देखा किसी का शौक ये चर भर ये चर भर क्या होता है सर? मैंने खेली बचपन में लेकिन जो राजस्थान में सर इसको चरभर के नाम से फेमस किया जाता है सर इसमें भर मतलब की यदि आपकी टीम जो आपकी गोटियाँ हैं वो यदि एक सीट में आ जाती हैं उसको घर बोलते हैं तो उसके बाद आपको एक ऑप्शन मिलता है कि सामने वाली खिलाड़ी की आपको एक गोटी उठाने का मौका मिलता है उसको सर सर बोलते हैं तो चुराना इसको सर घर इसका नाम पड़ा है। हम बचपन में बहुत खेलते थे जी सर। मेरे दादाजी ने कितने पास होते हैं सर? इसमें जो ट्रेडिशनली नाइन गोटियाँ दोनों के पास होती है लेकिन सर इसको मॉडिफाई किया जा सकता है यदि हायर लेवल पे ले जाना है तो सर 12 गोटी के साथ भी खेला जा सकता है और लोअर लेवल पे सर 6 और 3 गोटी के साथ भी खेला जाता है। गोटियां गोटियां तो ले लिया आपने जी सर। फिर वो तुसी किससे किससे के गोटियां से खेलते थे पास नहीं सर तो वो प्लेस करना पड़ता है सर उसमें ठीक है कि सभी दोनों अपोनेंट को एक एक उनकी पारी दी जाती है जिसमें सबसे पहले एक प्लेस करता है फिर दूसरा प्लेस करेगा ऐसे चलता रहता है गेम जब तक किसी का घर नहीं बन जाता। घर बनने के बाद एक स्कोर में क्रॉस होता है वो क्या होता है? क्रॉस सर केवल जब तीन गोटियों के साथ खेलते हैं यदि चर भर को तब क्रॉस खेला जाता है वरना सर 9 गोटियों 6 गोटियों में सर क्रॉस नहीं होता उसमें वर्गाकार जो डब्बे होते हैं उनको आपस में कनेक्ट किया। अब तो गेम लगभग खत्म से हो गया है जी सर। अब इस अभी ये काफ़ी अच्छा चल रहा है अभी इसमें मोबाइल के अंदर भी इसकी ऐप आ गई है। आगे कौन सी ऐप है? मिल्स के नाम से जी सर। मिल्स के नाम से है बैंकी गेट सॉफ्टवेयर टीम ने इसको डेवलप किया है। कौन सी गेट? बैंकी गेट सॉफ्टवेयर टीम बैंकी गेट बैंकी गेट बैंकी गेट गेट बिल्डिंग। अच्छा अच्छा बता बिल्डिंग जी सर। बैंकी एंड गेट सॉफ्टवेयर है इन्होंने अभी सर पर गेम का डिजिटल फॉर्म लाया है और इसमें डिफरेंट कंट्रीज के खिलाड़ी ऑनलाइन रहते हैं तो इसमें थोड़ा सा अच्छा फील होता है कि जो अपना गेम है ट्रेडिशनल गेम है उसको बाकी दुनिया में भी खेला जाता है और उसमें दूसरे नाम से खेला जाता है अलग अलग टेक्निक्स अपनाई जाती है तो काफ़ी अच्छा लगता है सर। तो गौरव हमारे लिए गौरव का विषय है कि आपके पास दोनों गेम ऐसे हैं तो कबड्डी भी इंटरनेशनल हो गया जी सर। ओलंपिक्स में है? नहीं सर ओलंपिक्स में इंक्लूड नहीं है। एशिया में था? एशियन गेम्स में सर 1990 के बाद इसमें इंक्लूड किया गया है। आपके दो ही शौक हैं दोनों इंटरनेशनल हो गए कबड्डी हो गया और चरभर हो गया सर। अभी काफ़ी लंबी जर्नी अभी बाकी है। यूरोपियन कंट्रीज और जो अमेरिकन कंट्रीज है उन्होंने अभी तक इसको अडोप्ट नहीं किया है तो ये केवल साउथ एशिया के अंदर ही ये दोनों गेम ज़्यादातर फेमस है। मैंने मिल्स गेम के लिए इंटरनेशनल खिलाड़ी को देखा है तो उसमें ज़्यादातर सर तुर्की ईरान अरब और जो साउथ एशिया की खिलाड़ी ज़्यादा होते हैं सर। जी सर जी सर तू पांच का कमरा दे जी सर। क्या है सर? एक ये हवेली टाइप से हवेली जो आर्किटेक्चर है उसी के फॉर्म में बनाया हुआ है सर जिसमें ये इसकी फेमस है सर इसमें 973 स्मॉल विंडोज है जो 973 हाँ तो स्मॉल विंडोज है
उसके कारण ये सर काफी फेमस है और अभी इसको सर हेरिटेज के अंदर कन्वर्ट करके टूरिज्म में अच्छा प्रमोट किया जा रहा है, लेकिन अभी इतना सक्सेस नहीं मिल रहा है। आपने तब कोई जॉब नहीं की करो? नेक्स्ट कोई ऑफर हुआ था प्लेसमेंट? बीएचयू से अगर आपने किया है प्लेसमेंट तो ऑफर हुआ, माइनिंग में बहुत डिमांड है। जी सर, मेरा हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में प्लेसमेंट हुआ था, लेकिन जैसे मेरा सितंबर 2016 के अंदर ज्वाइनिंग था, उससे पहले मेरा आरएस भी क्लियर हो गया था, तो मैंने जॉब ज्वाइन नहीं किया। और उसके बाद मैंने गेट के अंदर भी 81 रैंक की, तो जॉब सिक्योरिटी मेरे पास थी, मैंने सोचा कि जो आर एस का ट्रीम है उसके लिए अपना सोचा। अच्छा, जॉब सिक्योरिटी आपके पास सिक्योरिटी की है? नहीं सर, वो गेट का स्कोर सर 3 ईयर के बाद एक्सपायर हो जाता है सर। तो गेट के स्कोर से आपको मांगना जो सर, गेट के स्कोर से बी एस यू के अंदर जो मिलती है, जो मेनली ऑल इंडिया जो माइनिंग की मेजर बी एस यू है, जहाँ पे आपको गेट के स्कोर से जो मिल सकती है, या फिर आप हायर स्टडीज में इसका यूज कर सकते हो। बी एल टी या कितने बच्चे बैठे सर? माइनिंग इंजीनियरिंग में ऑलमोस्ट 6000 आपकी 6000 है। वेरी गुड। सो माइनिंग इंजीनियरिंग से आप स्पेशलाइज किए? बीटेक के अंदर तो माइनिंग के अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं, ऐसे मेटल्स हैं जिनके लिए अभी टेक्नोलॉजी इतना अपग्रेड नहीं हुई है कि उनको एक्सट्रैक्ट किया जा सके। एक्सट्रैक्ट किया जाता है, परंतु हर जगह वो मिनरल फिजिबल नहीं होते। व्हाट इज द यूज ऑफ दोस रेयर मेटल्स? चाहिए क्यों? मैम, अभी तो जब से ये इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री का काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है, जैसे मोबाइल बैटरी, इनके अंदर में रेयर मेटल दुनिया का जो लिथियम है एंड इनके बारे में एक रेयर अर्थ मेटल की यस यू आर राइट कि दे विल बी यूज्ड टू यू नो माइक्रो चिप्स और जो नैनो टेक्नोलॉजी आ रहा है उसके उसका रिक्वायरमेंट होगा, रिचार्जेबल बैटरीज भी होगा, बट द कॉस्ट टू एक्सट्रैक्ट दीज मेटल्स रेयर अर्थ मेटल इज सो मच एंड उसका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट उतना कि जो क्लीन एनर्जी का गोल लेके चल रहे हैं वो उसकी कॉन्ट्रीडिक्ट करने वाले हैं इस चीज़ का। तो ये तो बात है। ओके, सो न्यूक्लियर फिशन और न्यूक्लियर फ्यूजन इनमें अंतर बताइए। न्यूक्लियर फ्यूजन है उसमें मैम दो जो एटॉमिक जो न्यूक्लियस है वो आपस में मिलते हैं और उसके मिलने की वजह से उसका जो मास डिफरेंस आता है और आइंस्टीन की जो इक्वेशन है ई स्क्वायर टू एम सी स्क्वायर वो मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है, तो मैम वो तो न्यूक्लियर फ्यूजन है। एक एग्जांपल दीजिए न्यूक्लियर फ्यूजन का। फ्यूजन का मैम हाइड्रोजन बम, वो हाइड्रोजन मिलकर हीलियम बनाते हैं और उस प्रोसेस में जो एनर्जी निकलती है उसमें न्यूक्लियर फ्यूजन का यूज है। न्यूक्लियर फ्यूजन में मैम जो एक अनस्टेबल जो न्यूक्लियस होता है उसको मैम किसी भी तरीके से बम्बार्डमेंट करके उसको दो
न्यूक्लियस के अंदर तोड़ा जाता है और फिर जो मास डिफरेंस होता है वो एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होता है। ITER ये जो प्रोजेक्ट है इसका नाम सुना है ITER? सॉरी मैम, इट इज इंटरनेशनल टेक्निकल फिजिकल एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर। ये साउथ फ्रांस में एक रिएक्टर है जिसका नाम है टोकोमान, वो एस्टैब्लिश कर रहे हैं और यहाँ पे 9 कंट्रीज हैं जिसमें इंडिया भी शामिल है जिसकी फंडिंग कर रहे हैं और ये पूरा प्रिंसिपल जो है वो न्यूक्लियर फ्यूजन फ्यूजन पर ही बेस्ड है। टोकोमान उस रिएक्टर का नाम है और ये अभी 5 सालों से इसके ऊपर शोध चल रहा था और अभी एस्टैब्लिश किया जा रहा है साउथ फ्रांस में। परंतु एक ऐसा गेम बताया गया जिसमें श्री कृष्णा काफी चतुर माने जाते थे और उस गेम का मतलब जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है वो काफी ज्यादा कबड्डी से मैच होता है। और सर जो ईरान के लोग हैं वो कबड्डी को मानते हैं कि ये ईरान से डेवलप हुआ है, पर्शियन गेम का एग्जाम्पल मानते हैं। और जो सर मॉडर्न कबड्डी है जिसमें जो रूल एंड रेगुलेशन है ये सर किसी भी एंशिएंट गेम में नहीं थे, उन्हें मॉडिफिकेशन करके कबड्डी के कबड्डी का शब्द करते हैं। सर कबड्डी जो शब्द बोलते हैं सर उसके उच्चारण के कारण किया गया एग्जैक्टली सर। ये सुप्रीम कोर्ट है ना जी सर, इसका ज्यूरिडिक्शन क्या है? ज्यूरिडिक्शन से मतलब आप जी सर क्या क्या है इसका सुप्रीम कोर्ट का? सर ज्यूरिडिक्शन एरिया के हिसाब से या फिर जो इसको ज्योग्राफिकल ज्यूरिडिक्शन होता है जी सर, एक एग्जीक्यूटिव ज्यूरिडिक्शन होता है जो उसका भी जी सर और एग्जीक्यूटिव ज्यूरिडिक्शन होता है। एग्जीक्यूटिव ज्यूरिडिक्शन में सर ज्योग्राफिकल तो पूरा इंडिया है उसका नाम है इंडियन भी है सर, उसके अलावा सर जो भी इंडियन प्रॉपर्टीज आ रहे हैं वो भी उसके अंदर मालूम है सर। जो बाकी ज्यूरिडिक्शन है उसके अंदर सर ये इसके ज्यूरिडिक्शन को 4 ज्यूरिडिक्शन में डिवाइड किया जाता है। तो अपीलेट ज्यूरिडिक्शन है और ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन है, एक्टिव ज्यूरिडिक्शन है, एक ज्यूरिडिक्शन सर याद नहीं कर पा रहा हूँ। तो अपीलेट ज्यूरिडिक्शन में सर किसी भी प्रकार की जो ये अपनी जो जुडिशरी है वो एक ऑर्गेनिक है तो जिसमें जो लोअर कोर्ट्स हैं यदि उनकी जो अपील है वो की जा सकती है तो ये अपीलेट ज्यूरिडिक्शन में आता है। उसके अलावा ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन है जिसमें स्टेट और सेंटर के बीच में कोई डिस्प्यूट हो या दो स्टेट्स के बीच में कोई डिस्प्यूट हो तो उससे रिलेटेड रिट्स है आर्टिकल 32 के अंदर जो फंडामेंटल राइट की बोलती है। चलो ठीक है, वो आप मुझे फड़ का नाम बता आपने फड़े जी सर। तो क्या होते हैं सर फर्ड? सर जो राजस्थान में एक चित्रकला जो कपड़े के ऊपर चित्र बनाए जाते हैं उनको सर फर्ड के नाम से जाना जाता है। किसके चित्र होते हैं सर उसमें? सर ज़्यादातर जो चित्र हैं जहाँ तक मुझे नॉलेज है वो श्री कृष्ण की जो लाइफ है लाइफ इवेंट्स हैं उनको सर उसको बनाया। सबसे बड़ी पड़ कौन से चित्र पर अमिताभ बच्चन फड़ में थी। हाँ फड़ के ऊपर ही थी, उसमें वो फड़ मास्टर नजर आता है वो लेकर के रावण आपका लेकर के वो काम करवा अमिताभ के वो जी को करो भी फर्स्ट राउंड हो गया। हम मैंने पूछ लिया, मैंने भी पूछ लिया और सर ने पूछ लिया, अब हम आपको फीडबैक देंगे। तो आप अब तक जो आपने आंसर दिए हैं इस पर पेन और पेपर देखो मास्क भी रखना सर कि आप इस सवाल पूछ सकते हो। पहले हमारे ऑब्जर्वेशन मैडम बताएंगे मैं छोड़ दूँ सर, ठीक है? अपने को क्या क्या ध्यान रखना है आराम से बात और आप द्वारा जी। फर्स्टली
यू हैव अ वेरी प्लीजिंग पर्सनालिटी ठीक है आप स्माइलिंग बहुत करते हैं और बड़े आप विनम्र यानी बड़े हम्बल नजर आते हैं And then there are a few things which you need to understand. Smile should be measured. Excessive नहीं होना चाहिए, अत्यधिक नहीं होना चाहिए. जब आप वीडियो देखेंगे तो थोड़ा देखिएगा. शुरुआत में क्यों कई बार नर्वसनेस की भी साइन जाती है जब हम ज़्यादा स्माइल करते हैं. तो इस चीज़ को देखिएगा शुड बी मेजर्ड मतलब पर्याप्त मात्रा में हो तो इट इज़ अ वेरी ऐसे इट्स अ वंडरफुल थिंग टू ऑलवेज वेयर अ स्माइल ऑलवेज ठीक है बट ज़्यादा नहीं होना चाहिए इस चीज़ का ध्यान रखिएगा. दूसरी चीज़ जब आपको गेस करना हो तो क्या बोलेंगे कैन आई या आई कैन कैन आई या मे आई और भी पोलाइट हो जाएगा और आप बोलेंगे आई कैन मेक अ गेस अगर आप बोलते हैं आई कैन मेक अ गेस तो इसका मतलब ये है कि आप परमिशन नहीं बोल रहे हैं तो आपको अपनी क्षमता जाहिर कर रहे हैं आई कैन मेक अ गेस कैन आई मेक अ गेस क्योंकि अगर आप गेस की परमिशन चाहते हैं इट हैज टू बी मे आई या कैन आपकी नॉलेज इज गुड व्हेन आई आस्क यू अबाउट योर इंजीनियरिंग रिलेटेड क्वेश्चंस आपको सब पता है जैसे सर हमेशा बोलते हैं कि अपने सब्जेक्ट का एप्लीकेशन वाला पार्ट भी पता होना चाहिए यानी आपके सब्जेक्ट में आजकल क्या चल रहा है वो भी हमें पता होना चाहिए तो रेयर जब हम मेटलर्जी की बात करते हैं या माइनिंग की बात करते हैं तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है रेयर अर्थ मेटल हो गया या फिर बोलेविया में माइनिंग हो रही लिथियम की ठीक है नॉर्थ कोरिया में भी लिथियम के हिसाब से राइट चाइना में भी है पर बोलेविया के बाद आते हैं तो अपने सब्जेक्ट्स का एप्लीकेशन वाला क्वेश्चन आपको होना चाहिए हो सकता है आपके वो टेक्निकल पार्ट में जाकर के एप्लीकेशन का पोर्शन यू हैव टू मेक इट स्ट्रांग उसमें थोड़ा सा स्कोप है वो जॉब कर सकते हैं उसके अलावा नॉलेज में मतलब आई फ्रॉम यू ये अलग अलग टॉपिक्स मैंने पूछा गया फर्स्ट ग्रुप वो फॉर पेंटिंग वाला सब बताइए ठीक है वो सही बात नहीं था दूसरी चीज नाउ कमिंग टू योर ड्रेस योर कॉम्बिनेशन इज गुड बट आई विल रियली अप्रिशिएट इट अगर आपकी शर्ट और अच्छे से आयरन होगी सॉक्स जो है वो डार्क कलर की हो जिसमें कुछ शर्ट प्रिंट है और आपके हाथ कैसे ये आर्म रेस्ट पे ऐसे तो कोई भी पोजीशन आप लो रिमेंबर इट शुड नॉट बी स्लाउचिंग मतलब आप स्लाउच करके ना बैठे हो ये बेसिक्स हैं पोजीशन के उसके इनके तहत आप कोई भी पोजीशन लीजिए आपकी स्पाइन सीधा रहे आप चेयर पे पूरा आराम से बैठे पीछे तक जा करके अपने हैंड्स किसी ने शायद आपको बोला हुआ कि ऐसे करके बैठना है तो आप सारा टाइम ऐसे ही बैठे विच इज अननेचुरल पोजिशन मतलब जैसे आप बैठे हुए हो हैंड्स आपके ऐसे तो इसमें आप कोशिश करिए आपके हैंड्स कंफर्टेबल पोजिशन में या तो आपके थाइस पे ऐसे हैं बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो फिर जुड़ गए रहेंगे दैट इज अननेचुरल थोड़ा सा अपना हैंड अगर मूवमेंट करते हैं तो ये नेचुरल होगा बट अगेन इट शुड नॉट बी एक्सेसिव ना हो एक आपके देखते हो ना आप ऊपर की तरफ देखते हो ना आपका जो देखने का जो गेज है ना बिल्कुल ऐसा मान लीजिए जैसे आप क्या करते हैं आपका ऐसे लगता है ऊपर की तरफ चला जाता है जैसे वो रेस सीधी चलती है ना वैसे निकल जाए टीवी ऐसे नहीं बैठती तो उसको आप सीधा बैठ करके सीधा मतलब गर्दन को ऐसे रखोगे आप ऐसे रखोगे ऐसा नहीं रखना उसको थोड़ा सा उसके साथ वीडियो में देख के जाएगा जो सब कहते हैं चीन आपकी बहुत ऊंची होगी वो आपको शरीर का ऐसा होगा वो वीडियो आप इधर के सामने बैठ करके बैठना थोड़ा सही है बाकी नॉलेज आपकी बेस्ट है कोई दिक्कत नहीं आप कॉन्फिडेंस भी आपको हो गए और आपको कॉन्फिडेंस लेके जाना ही होगा कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि आप ऑलरेडी फेस कर चुके हो और फिर भी आप बताया नेगेटिविटी बिल्कुल नहीं जानी आप थोड़ा एक बैठने का जो ये गेज है ये उसको सही करना ही पड़ेगा आपके मन ये बहुत नेगेटिव आ सकता है एक आपके बाढ़ जो है ये इसको इसी स्टाइल रखते थे मैं कसे वैसे होते हैं छोटा सा कंधा हमेशा कैरी करने की आदत है साथ में अगर आपको हेल्थ स्टार्ट को मेंटेन रखना क्योंकि मोटरसाइकिल उधर बैठ हेलमेट तो होगा फिर जब उतारोगे तो नेक्स्ट हेल्थ स्टार्ट कार में हाथों से कितना ही कर लें वो वापस बात नहीं आती तो हल्का छोटा करके हेलमेट आप जो
मैं तो अपनी पैंट बनाता हूँ ना, छोड़ दे मुझे, हमेशा कहा करता हूँ, वही है एक छोटा सा कहा था हमारे साथ भी देगा, हालांकि मेरे तो बैक कॉम्बिंग है, मैं यूँ भी करूँगा तो ठीक हो जाएगा, तो वेल रूम का दूसरा वो आपके गेज वाला अनबॉक्सिंग होता है, मैं भी ये कहने वाला था जी, ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ से रेत चले ऊपर से निकल गई बाकी स्पाइन स्पाइन आई टोल्ड यू इट शुड बी मेजर्ड ज्यादा नहीं तो आप ऐसा करो पांच चीजें तो खरीदो अभी हफ्ता एक महीने का टाइम उसमें आप पढ़ो तो सारी मिल जाएगी आपको राजस्थान वार्षिक लिख लीजिए अवेलेबल है जी सर किसी भी अच्छी दुकान पे जाओगे चौड़ा रास्ते पे आपने मुझे राजस्थान वार्षिक की तो पांच छह वेरायटी में तो उसमें आप पढ़ते ही राजस्थान की लोक कला उसमें आएगा फर पिछुआई ये सब उसमें आएगा पापू जी की फर सबसे प्रसिद्ध मानी जाती है और पापू जी का पूरा लाइफ हिस्ट्री उसमें थी इसीलिए देवनाथ जी जो लोग देवता थे उनके पर अलग पापू जी की हरबू जी की देवनाथ जी की सबके पर तो राजस्थान की वार्षिक आपके जीवन को ये लोग होना चाहिए आपके जीवन लोग घूमता हुआ तीन नक्शे लगाते हैं राजस्थान भारत और विश्व तीनों नक्शे आते हैं अगर उसको देखते रहो आपका एक्सपोजर बहुत अच्छा है शुरू करने वाले सीकर में पढ़े बनारस तक गए राजस्थान में आप कहाँ कहाँ गए हो आपकी नॉलेज ठीक है हनुमान जी का कमरा आप जानते हो जोड़ भी आपने देखे होंगे हनुमान के रहने वाले और ये आपका सेकंड अटेम्प्ट है इसलिए आपका कॉम्पिटेंट भी बहुत ही अच्छा बनता है बाकी इन सब पॉइंट्स का आप ध्यान रखें तो आपके काफ़ी अच्छे चांसेस हैं आपके सक्सेस आप कुछ पूछना चाहें तो हम तीनों आपके इसको जरूर तैयार हो एनी क्वेश्चन दैट यू वांट टू आस्क मुझे थोड़ा सा एक तो सिचुएशन में क्वेश्चन है जैसे आपको एस डी होना दे रहा है या आर डी एस बना दे रहा है तो उनमें थोड़ी सी दिक्कत फेस होती है और बाकी जो सब्जेक्ट का नॉलेज है या बायोडाटा है वो तो पहले से प्रिपेयर किया जा सकता है लेकिन एक इंटरव्यूअर क्या पूछना चाहता है सिचुएशन में क्वेश्चन में इसके लिए मैं आपको फॉर्मूला देता हूँ एक महीने का टाइम होगा आपके पास है जी सर ठीक है और आप कहते हो सर मैं अभी तो सर मेरे आप आर एस बनोगे तो क्या पोस्टिंग होगी आपकी एस डी तो आप शुरू एस डी के ऑफिस जाना है ठीक है और उसको बताना नहीं कि आप कौन आप तीन घंटे खाली लेके जाओ और सिर्फ उस एस डी एम को ऑब्जर्व करो उसको पता नहीं चले कि गौरव मुझे ऑब्जर्व कर रहा है समझ रहे हो एस डी एम तो ओपन में ओपन कोर्ट है कोर्ट में बैठ रहा है कभी वहाँ कर रहा है पब्लिक से मिल रहा है कभी वो पता चला सा उधर जयपुर रोड पर स्पॉट में वहाँ भाग रहा है तो आप मोटरसाइकिल से दूर देखे जैसे जासूस होते तो वो आपकी ट्रेनिंग होगी आज आपने चार घंटे एस डी एम को ऑब्जर्व किया इससे अपने आप को लर्निंग मिल जाए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं आप जाके देख लीजिए वो कैसे कर रहे हैं तो फिर जब आप सबको ये प्रश्न पूछे कि भाई गौरव आप मान लीजिए एस डी एम शुरू हो और अचानक फतेहपुर में प्रॉब्लम हो गई कहीं भी तो मजिस्ट्रेट मैं आपको फिर आपको याद करिए मैंने वो शुरू एस डी को देखा तो किस तरह से डील कर रहे थे पब्लिक से कैसे मिल रहे थे बातचीत कैसे कर रहे थे वो चुरू हो फतेहपुर हो राजगढ़ हो जहाँ भी आप जाना चाहते तो जब कभी भी आपको भविष्य के लिए मैं आपको गाइडलाइन दे रहा हूँ जब कभी आपको ऐसा कुछ ना दिखा तो कलेक्टर भी वही है एस डी भी वही है तहसीलदार भी वही है सारे वही है किसी एक को दो तीन घंटे ऑब्जर्व करना बगैर उनको पता चले कि आप ऑब्जर्व कर रहे फिर नेक्स्ट जाके जब मैं सर मैं कल आया था और मैंने मेरा आवेश कर चुके आप उसको थोड़ा बहुत बताइए सब कैसे करता हूँ तो कोई भी एस डी ओ जो यंग एस डी ओ है वो एक यंग ऑफिसर मिलकर खुश होंगे अच्छा गौरव जिले का तुम नाम रोशन किया
क्या रिज्यूम साहब बड़े अच्छे हैं। अच्छा मान लीजिए थोड़ी देर के लिए आप एस डी एम क्लोज भी होते हैं, बड़े ना मेरे पास फैमिली है, तो ये भी आपके लिए अनुभव है, ये आपको प्रेरणा देगा कि यार कितना बिजी है, टाइम नहीं है। पर एट द सेम टाइम एज ए स्टूडेंट मैं उनके पास गया हूँ, आपके इसमें कॉन्टे किया है, मतलब आर एस कंपनी के लिए जा रहा हूँ, तो मैं भी ऐसे हो सकता हूँ, फिर भी इनके प्लीज इनके पास जो भी टाइम नहीं है डायरोनेस इसके दोनों पार्ट है। ये आपको चुनौती है कि मैं भी आपको चुनौती दिखाऊँगा, आज तो मुझे टाइम नहीं दिया, कल मैं भी तेरे बड़ा बड़ा इसकी चुनौती दिखाऊँगा, ये इसके पॉजिटिव आते ठीक है ना, उससे आपको प्रेरणा भी मिली और ये भी मिला कि अगर मैं ऐसे मान लो तो मुझे अरेंजमेंट नहीं करना, अगर मेरे पास कोई यंग लड़का आके पूछे मुझे इसको गाइड करना, तो इसको रोल प्ले, तो रोल प्ले में आपके लिए देखिए आपके मॉडल और फिर उसको इन्वॉल्व करने की कोशिश करो और फिर ये मौके से ताकि आप उसको गाइड कर सकें। मास्टर्स भी किया है सोशियोलॉजी में। अच्छा तो सोशियोलॉजी में किया? मैंने नेचर नहीं किया था, वो तो यूजीसी के लिए किया होगा, वो तो यूजीसी के लिए किया होगा। मैंने सोशियोलॉजी से मास्टर्स के लिए स्टार्ट किया था, लेकिन मैंने फिर ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी ले लिया, मेरा सोशियो अच्छा मतलब सोशियोलॉजी अच्छा तैयार नहीं है, तो सर मैं अपनी मेंशन करना चाहिए। आपने एंथ्रोपोलॉजी सोशियोलॉजी यूपीसी के लिए किया होगा? जी सर। इसीलिए लेते हैं आज के बच्चे? जी सर। बेटर वाला एंथ्रोपोलॉजी क्यों लेगा? तो यूपीसी देती है क्योंकि यूपीसी एंथ्रोपोलॉजी में अच्छे मार्क्स आते हैं। जी सर। तो एमए क्या भी किया होगा? कि मैं उनके अच्छे थिंकर्स के मतलब पर्सपेक्टिव रखता हूँ, तो मुझे मेंशन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मेरी राय तो ये है कि आप हम तीनों की राय सुनना, मेरी राय तो ये कि बोर्ड से कोई भी बात छुपा नहीं चाहिए। जी सर। अगर आप एम एस सोशल मीडिया में कर लो तो जब मैं आपको प्रोफाइल दे दूंगा तो मुझे लगेगा कि गौरव ने बीटेक पीएचडी से किया और एम ए सोशल मीडिया में कर रहे ताकि मैं एंथ्रोपोलॉजी के कैसे कर सकूँ, तो इसका कमिटमेंट देखिए आप, तो ये आपके खिलाफ तो जा ही नहीं सकता, तो आप अपनी नॉलेज को बढ़ा रहे बी टेक बी एच यू के हो, अच्छी खासी जॉब छोड़ के फिर भी आप सोशल मीडिया पढ़ रहे हो, इसका आपका दर्ज पूरा क्लियर है, मुझे यू पी एस सी क्रैक करनी है, तो ये पॉजिटिव जाएगा। तो मेरी राय है इंटरव्यू बोर्ड से माता पिता से कोई बात छुपा नहीं सकता, क्योंकि आज नहीं तो पता चले, तो मान लीजिए बोर्ड को अगर बाद में पता चलता है कि अगर गौरव तो हमने सोशल मीडिया बताया नहीं, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए आप ये डर के मारे कि आप नहीं बताना चाहते कि मैं सोशल मीडिया में तैयार हूँ, तो भैया आप कर रहे हो ना, पढ़ रहे हो ना, आपने भी उसको पी एच डी कर ली, आप पढ़ रहे हो, यू आर ए स्टूडेंट ऑफ सोशल, तो आप कह सकते हैं सर बेसिकली आप इंग्लिश ग्रेजुएट एक यूपीएस एग्जाम और वहां दो सब्जेक्ट लेने पड़ते हैं, तो एक सब्जेक्ट मिल जाता दूसरा मिलता नहीं, आपका सब्जेक्ट कौन से सब्जेक्ट आप पहले दो लेने पड़ते हैं, अभी मिलना पड़ता, आपने सोशल मीडिया चुना क्योंकि बीटेक सब्जेक्ट्स अच्छे स्कोर नहीं होते व्हाट एवर रीजन, तो इससे आपका एक गर्व होता है कि आपने जब प्रोडक्ट निर्धारित किया उस लक्ष्य को पाने के लिए आप अपनी सारी एनर्जी को लगाने के लिए संकल्प, ये पॉजिटिव हो जाएगा। छुपाने से मान लीजिए सोशल मीडिया में आपने बताई और उसके कौन प्रश्न पूछना आप नहीं बता पाए, मैं कैसे पढ़ रहा हूँ आप जो हो वो हो, ऐसा नहीं जो आप नहीं हो वो हो दिखना चाह रहे हो और जो हो दिखा नहीं रहे, तो ये पर्सनलिटी टेस्ट है, ये आपका किताब ज्ञान का टेस्ट है, पर्सनैलिटी का एक पार्ट है कि आप कितना सत्य बोलते हैं, ठीक है, दिस इज माय ओपिनियन। और रिगार्डिंग सिचुएशन तो सर ने बताया कि आपको ग्राउंड पे जाके जब किसी को देख लोगे तो फिर आंसर देना बहुत आसान हो जाता है बिकॉज आपने वो खुद एक्सपीरियंस कर लिया है, दैट इज देयर। हाउएवर इन सिचुएशनल क्वेश्चंस ऑलवेज रिमेंबर आप एक एडमिनिस्ट्रेटर की तरह अपनी राय जाहिर कर रहे हैं और एक एडमिनिस्ट्रेटर की जो राय होगी लॉजिकल होगी, एक वो अनबायस्ड होगी,
लॉजिकल होनी चाहिए, अनबायस्ड होनी चाहिए वो, और आपकी किसी पूर्व धारणा पर बेसिस वो ना बेस्ड हो। तो अगर आपका कोई भी एनालिसिस लॉजिकल है और वो अनबायस्ड है और आपकी किसी प्रेजुडिस यानी किसी पुरानी किसी बिलीफ के ऊपर नहीं है, तो वो एक बिल्कुल सही ऑब्जेक्टिव होगा, वही आपको देना है। और जितना भी हमारा संविधान है उसके अकॉर्डिंग सही होना चाहिए, तो इस पर डिबेट नहीं हो सकता। बिल्कुल मैं आपको दूसरी चीज़ बता दूँ, हमारे यहाँ एक IFS ऑफिसर आए थे, वो अभी किर्गिस्तान के एम्बेसडर है इंडिया के, तो वो हमारे बच्चों से बात करने आए थे। तो जब उन्होंने ऐसी लेक्चर दिया अंदर जियो पॉलिटिक्स, तो एक बच्चे ने हमारे स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा हमसे कि सर साउथ चाइना की जो प्रॉब्लम है इसका सोल्यूशन क्या है। वो हंस दिए, कहते हैं कि आपको सोल्यूशन क्यों जानना है, अगर सोल्यूशन होता तो आपको क्या लगता है कि बड़े बड़े लोग जो बैठे हैं वो सोल्यूशन प्रोवाइड ना कर देते। तो अभी आप एज अ स्टूडेंट लुक फॉर एनालिसिस, उस एनालिसिस पे पॉजिटिव और नेगेटिव जब आप करते हैं ना, तो यही आप लोगों के लिए सोल्यूशन। नहीं तो सोल्यूशन अगर इन चीज़ों के होते तो मान के चलिए हो गए होते। तो आपके लिए भी जब कोई एनालिसिस पूछता है ना, पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स और एक वे फॉरवर्ड आपके नजरिए से वो बताइए, पर हाँ सर इसका ये सोल्यूशन है, तो फिर क्या है कि वो सोल्यूशन आपके पास है पर इतने बड़े बड़े जो लोग थे उनके पास नहीं था। तो ये बात उनकी बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं थी। तो राधर देन गिविंग सोल्यूशंस, गिव एनालिसिस, ठीक है, एंड दैट इज द सेफेस्ट वे आल्सो। एंड आपका एनालिसिस लॉजिकल हो, अनबायस्ड हो एंड शुड बी नियर टू द कॉन्स्टिट्यूशन, इट विल बी वेलकम। सर एक पूछते हैं कि आप IIT से ग्रेजुएट हो और आप RS के बाद IIS के इन्फोसिस करो और आपको वहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा, तो स्टाफ की एनर्जी और ये सब कुछ आप इन्वेस्ट कर रहे हो, आपको इसका सर क्या इंसर्ट दिया जा सकता है? लोगे कि आप जितने होंगे RPSC की IPSC क्यों आना चाहते सर? कि आप RPSC में सेलेक्ट हो जाओगे, उसके बाद भी आप UPSC की तैयारी करोगे, और इससे तो आप ना जो बोर्ड की एनर्जी है, बोर्ड का टाइम है, वो सब कुछ वेस्टेज कर रहे हो, क्योंकि आपको तो यहाँ पे रुकना है। इसका जवाब भी होना चाहिए सर, अगर मैं सिलेक्ट हो गया तो जरूरत को हमको क्या चाहिए, मगर अगर मैं UPSC सिलेक्ट हुआ वहाँ जाऊँगा ऑब्वियसली सर, देखो RSIS बनने मुझे 20 साल लगे थे, 25 साल लगे, और वहाँ मैं सीधे बना। दूसरा सर, जब मुझे कोई बेटर अपॉर्चुनिटी मिले तो मैं क्यों नहीं जाऊँगा? You don't have to be apologetic for your ambitions. आप अपनी महत्व कांक्षा के लिए डर क्यों रहे? उनके बताओ यस सर, अगर मेरा RPS RPS होता है तो RPS RS में ज्वाइन करूँगा। और मान लीजिए RS में करते करते सर आप हर साल देखिए IRS के कम से कम 15-20 ऑफिसर हर साल IAS में सिलेक्ट होते हैं, IPS के 8-10 ऑफिसर हर साल IAS में, तो सर बैचलर अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो सर मैं क्या सर कोई भी देना चाहूँगा? तो इसमें आप डिफेंस की मुझे जरूरत थी ये सर सलेक्ट होकर मैं तो जाऊँगा। आप इधर को भी नहीं सर आपने सेलेक्ट कर दिया तो मैं आपका तो लिहाज रखूँगा सर, मैं IAS भी मिल गया तो RS भी रहूँगा, ऐसा तो कोई नहीं करता। देखो सच अभी सत्य सत्य क्या है, अगर जो बंदा IAS में आता है तो वो IAS छोड़ के IAS में आता है, IPS में 6-6 साल की नौकरी छोड़ कर वो IAS में आता है, क्यों आते हैं? IAS ही जाए स्टॉप सर ओके, तो कहाँ सर अरे IAS कौन नहीं करना चाहता, इसका डिफेंसिव बहुत होना। वो तो सर फंडामेंटल ड्यूटी हमारी ड्यूटी है कास्ट पर करेक्ट राइट ऑप्शन ड्यूटी है तो क्यों नहीं बाबा, आपकी ड्यूटी होती है आगे बढ़ना, तो आप बढ़ानी हो बढ़ानी है थोड़ी बढ़ाना है जाने मतलब बढ़ाता है बढ़ानी है थोड़ी उधर क्यों वहाँ का नाम कुछ है आपके गाँव का नाम क्या है? कबीर सर कबीर बुढ़ानी है सर फेमस फ्रीडम पार्टी और खाने में क्या लगाते हैं? दाल में क्या लगाते हैं? दाल में क्या लगाते हैं? अपने गांव में क्या कहते हैं? छोंकड़ा। क्या कहते हैं? तड़का कहते हैं। तड़का तो पंजाबी शब्द छोंकड़ा बोलते हैं, मारवाड़ में कहते हैं छोंका, आपके शिलावाड़ी में जहाँ छोंकड़ा कहते हैं, आपके उधर डांग की तरफ छोंकड़ा छमको लगा दें, छमका मतलब उसको तड़का लगा दें, तो दाल अच्छी है, दाल फ्राई करना बहुत बेस्ट। Thank you.
forget to like, share and subscribe to our channel and press the bell icon to never miss an update.